Okay, G, here we go with the next topic. And the topic is synonymy. More or less, जब आप synonymy की बात करते हैं तो linguistics में जो है, वैसे तो अगर you can say एक layman को कहेंगे तो वो कहेगा कि you can say meaning of the word or substitute of the word. अगर if we talk about या in linguistics sense synonymy reflects sameness of meaning. कि अगर एक लफ्ज का मीनिंग जो है वो सेम है तो देन वी आर एसोसिएटिंग विद, यू कैन से दिस इज व्हाट वी कॉल सिनोनिमी. ओके जी, तो जो सेमनेस ऑफ मीनिंग है, यू कैन से के वन वर्ड अगर रिप्लेसेबल हो, यू कैन से इफ वन वर्ड हम लोग ये बात देखते हैं कि वन सेंस विथ सेवरल नेम्स इज सिनोनिमी. कि अगर वन सेंस विथ सेवरल नेम्स इज सिनोनिमी, कि एक सेंस को एक सेंस जो है वो जब सेवरल नेम्स के साथ आ जाए तो हम उसको सिनोनिमी कहते हैं. हमें इस बात का अंदाजा है कि लैंग्वेज के अंदर दुनिया भर की कोई भी आप लैंग्वेज उठा लें, उसमें दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं विद द सेम मीनिंग. सपोज हम इस हवाले से बात करते हैं, जिस तरह से हमारे पास ये लफ्ज गुड है तो गुड के साथ अगर आप इसको डिस्क्राइब करें तो आपको जो नजर आएगा दैट कैन बी यू कैन से सुपीरियर, दैट कैन बी फाइन, that can be nice, that can be excellent. आप suppose आज अभी यहां पर अगर हम लोग synonymy देखते हैं, you find excellent, you find fine, फिर इसी तरह के साथ आपको superior नजर आ रहा है, और इसमें एक और मतलब ये भी associate होता है nice के साथ. लेकिन इसके साथ आप अंदाजा कर लें कि जब इनमें से आप नाइस को डिफाइन करते हैं तो उसमें एक लफ्ज जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल केयरफुल. अब सपोज ही इज नाइस एंड ही इज केयरफुल, आप अंदाजा कर सकते हो कि दोनों के अंदर बात का सेंस ही चेंज हो जाएगी. नाइस, ही इज नाइस, ही इज गुड, ये बात तो बिल्कुल ठीक है. लेकिन इसके नीचे जो हमें बाकी जो सेंसेस नजर आ रही हैं
वो उनका जो कनेक्शन है वो भी आप हमको मद्देनजर रखना होगा कि ये सारे अल्फाज रिप्लेसेबल नहीं होते। तो इस तरह से किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो एक लफ्ज है वो जब मल्टीपल शेड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इट मींस के उसके साथ जो बाकी सेमनेस है वो भी फिर एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम लोग आसान लफ्जों में कर लें कि ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी और गुड का यू कैन से नाइस, गुड का एक मतलब जो है वो आपके सामने आया सुपीरियर, तो ही इज अ सुपीरियर प्लेयर ऑफ हॉकी। अब दोनों अल्फाज जो हैं गुड और सुपीरियर ये एक ही स्ट्रिंग से निकल रहे हैं, लेकिन अगर दोनों जुमले आप सेपरेटली बोलते हो तो जो सेंस है वो इंटायरली चेंज हो जाएगी। यानी ये सेंस तब तक सस्टेन नहीं करेगी जब तक आप एग्जैक्टली कोरिलेट नहीं करते चीजों को, जब तक आप एग्जैक्टली आपस में लिंक नहीं करते बातों को। तो यू कैन से ये बात हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि सुपीरियर और जो गुड है ये दोनों आपस में सेंस को चेंज कर देंगे, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस तरह से गुड भी मौजूद है और सुपीरियर भी मौजूद है। इसी तर्ज के साथ सुपीरियर को अगर आप देखें तो उसमें एक लफ्ज बेटर है, या आप अंदाजा कर सकते हो उसमें एक लफ्ज मोर भी यूज हुआ है सिनोनिमी के तौर पर। तो अगर बात हम कर रहे हैं कि सुपीरियर जो है वो रिप्लेसेबल है गुड का, तो फिर सुपीरियर की स्ट्रिंग के नीचे जितने अल्फाज है वो भी तो रिप्लेसेबल होने चाहिए। और अब अगर हम लोग ये लफ्ज लिखते हैं ही इज अ मोर प्लेयर ऑफ हॉकी तो ये नॉनसेंस लगेगा, ये लफ्ज इसकी कोई कनेक्टिविटी हमें नजर नहीं आएगी। इसी तर्ज के साथ अगर आप ये यू कैन से कह दें ही इज अ नाइस फेलो, और अब इसी नाइस फेलो को आप एक और मतलब वर्ड के साथ एसोसिएट कर दें तो ही इज अ केयरफुल फेलो। अब यहां पे हम अगर बिल फर्ज लिखते हैं कि ही इज अ केयरफुल फेलो कि वो एक केयरफुल मतलब जो है वो फेलो है, और अब आप अंदाजा कर लें कि ये नाइस की स्ट्रिंग में से आया है। अब क्या नाइस और केयरफुल आपस में रिप्लेसेबल हैं? हाँ, ही इज अ गुड फेलो, ये बिल्कुल रिप्लेसेबल हैं। लेकिन जब आप ये बात करते हो कि ही इज अ केयरफुल फेलो तो हमें यह अंदाजा होगा कि एक तो वेरी क्लोज सिनोनिमी है, नाइस का गुड जो है वो समझ आ रहा है, लेकिन जब आप बात करते हो ही इज अ केयरफुल फेलो तो ये वेरी लूज सिनोनिमी होगी। यानी कि सिनोनिमी जब आप बात करते हैं तो सिनोनिमी के अंदर हमें ये चार शेड्स नजर आते हैं, यानी कि एक जिसको आप कहते हो क्लोज, एक को सॉरी वेरी क्लोज सिनोनिमी, दूसरे नंबर पर जब आप बात करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल यू कैन से क्लोज, जो आपस में मतलब एक हद तक चेंजेबल हो। उसके बाद आपको नजर आता है लूज, और चौथे नंबर पर आपके पास है वेरी लूज। ये चार शेड्स हैं जो हमें नजर आते हैं, ये चारों सिनोनिमीज है जो हमें एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती हैं। क्लोज, वेरी क्लोज, नाइस और गुड जो हैं वो आपस में रिप्लेसेबल हैं। इसी तरह से ही इज अ गुड प्लेयर, हम लोग ही इज अ फाइन प्लेयर, हम लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन जब आप ये लिखेंगे कि ही इज अ सुपीरियर प्लेयर तो सेंस बदल जाएगी। अब एग्जैक्टली गुड प्लेयर और इसी तर्ज के साथ ये आपकी क्लोज है, और इसी तरह से जब आप ये लिखते हो कि ही इज अ सुपीरियर प्लेयर
आप ये अंदाजा करोगे कि सेंस किस तरह से चेंज होती है. सो सिनोनिमी असल में हमने जो है वो जब भी बात करनी है कि ये जो जितने अल्फाज मैंने आपके साथ इधर शेयर किए हैं दे आर बेसिकली ये जो है वो सिनोनिमस हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में कुछ वेरी क्लोज सिनोनिमीज हैं जो कि इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि नाइस की जगह आप गुड लगा दें, गुड की जगह नाइस लगा दें काम चल जाएगा, गुड की जगह आप फाइन लगा दें काम चल जाएगा. ये इंटरचेंजेबल सिनोनिमीज के तौर पर हमें नजर आता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते. बहरहाल कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हर हालत में इंटरचेंज होते हैं. लाइक आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि जितना से ये लफज है किड, और इसमें आप किड बोल लें या चाइल्ड बोल लें, ये ऑलमोस्ट हर जगह पर रिप्लेसेबल होगा, आप इसको रिप्लेस कर सकेंगे. फिर इसी तर्ज के साथ आप जो है वो फर्दर जो है वो काउच बोल लें और उसकी जगह पर आप सोफा बोल लें तो ये रिप्लेसेबल है. आप यू कैन से लीड बोल लें या मरकरी बोल लें, जिसको लेड पेंसिल आप कहते हो, जिधर लेड सीसा आप बात कर लें या मरकरी की बात कर लें, ये ऑलमोस्ट जो है वो रिप्लेसेबल होंगे. तो मोर और लेस जब जब आप मतलब जो है वो बात करते हैं इस हवाले से, वी डू ऑब्जर्व के सिनोनिमी जो है वो किस तरह से लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती है. हम इस कॉन्सेप्ट को एक और मतलब जो है वो फॉर्मेट के अंदर हम लोग जो है वो समझ सकते हैं कि सपोज मैं कुछ अल्फाज आपके साथ शेयर करता हूं. सपोज हम लोग ये कहते हैं कि एक लफ्ज है हमारे सामने रिस्पेक्ट. अब रिस्पेक्ट जो है उसके आगे जो हमें शेड नजर आ रहे हैं वो एक शेड है ऑनर, यानी कि एक मीनिंग ये है. फिर दूसरा जो हमारे सामने मौजूद है डेट इज व्हाट वी कॉल गुड, और तीसरे नंबर पर एडमायरेशन. अब अगर इसी लफ्ज एडमायरेशन को आप फर्दर आप इंगेज करते हैं इस सेट के अंदर, कि आप ये देखिएगा कि ये कॉलम आपका ए, उसके बाद ये आपका बी, उसके बाद ये आपका सी कॉलम. अब आपके पास ये तीन कॉलम जो है वो मौजूद है, और ये आसानी से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह से मतलब जो है वो सिनोनिमी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझा जा सकता है. सपोज मैं बात कर रहा था आपके साथ कि रिस्पेक्ट है आपके सामने, ये वर्ड है, और आपने इसके सामने जो शेड्स लेकर आए वो आपको यहां पर भी नजर आ रहे हैं, एडमायरेशन है, फिर उसके बाद ऑनर या रेवरेंस है, फिर इसी तरह से जो है वो एक लफ्ज आपके लिए स्टीम जो है वो मौजूद है. अब अगर एडमायरेशन की अगर आप सेंस देखें तो एडमायरेशन में एक आपको नजर आएगा प्रेज, फिर आपको दूसरा नजर आ रहा है एप्रिसिएशन, आपको तीसरा लफ्ज जो यहां पर नजर आ रहा है That is what we call like. अब अगर बिलफर्ज हम जुमला नोट करते हैं या हम बिलफर्ज एक जुमला लिखते हैं कि I respect my teacher. और अगर इसी तर्ज के साथ हम ये कह दें I appreciate my teacher. अब ये दो आपस में दोनों की सेंस ही डिफरेंट है, हत्ता कि हम लोग ये देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट के साथ एडमायरेशन मौजूद है और एडमायरेशन में से आगे फिर ये जो हमें जो सिनोनिमीज है वो हमें दिखाई दे रही हैं. हमने एडमायरेशन में से आगे फर्दर जो है वो इनको एंगेज किया है.
तो अगर हम इन कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम लोग जाएं तो हमें ये बात समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी कि किस तरह से जो यू कैन से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मामलात हैं, वो किस तरह से चल रहे होते हैं। कि आप अंदाजा कर सकते हो कि ये जो एडमायरेशन के जो शेड्स हैं, सपोज आप ये बात देख रहे हैं कि किस तरह से ये, और हम इसको इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। कि ये एडमायरेशन के शेड्स हैं, कि किस तरह से एडमायरेशन जो है वो आगे हमें तीन शेड्स दे रहा है, जिसको हम लोग जो है वो प्रेज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन के। और अगर आप ये कहें आई रिस्पेक्ट माई टीचर, तो बात समझ में आती है। आई अप्रिशिएट माई टीचर, तो ये ऐसे लगता है कि जैसे आप बॉस हैं और आपका टीचर जो है वो आपके स्कूल में कहीं काम कर रहा है। तो ये दोनों अल्फाज जो हैं वो रिप्लेसेबल नहीं होंगे, ये इनकी इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि आई अप्रिशिएट माई टीचर, आई रिस्पेक्ट माई टीचर, फिर यू कैन से आई हैव गुड ओपिनियन ऑफ माई टीचर, आई ऑनर माई टीचर। तो लैंग्वेज के अंदर जो है वो सिनोनिमी इज नॉट इक्वल टू बट कैन एग्जैक्टली ऑपोजिट। एक सिनोनिमी जो है वो इक्वल नहीं होती, ये जरूरी नहीं है कि आप लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हो और बीइंग लिंग्विस्ट, जब अब आपको सिनोनिमी की बात की जाएगी तो सिनोनिमी से मुराद आपके लिए हरगिज ये नहीं होगा कि जो कंप्लीट सेमनेस है, बल्कि सिनोनिमी से मुराद ये है कि आपके पास ये अपोजिट सेंस भी, जो कि उस सेंस के अंदर कभी भी काम नहीं करती, वो भी आ सकती है। सो यहां पर हम लोग जो है वो एक लेमैन के लिए तो कह सकते हैं कि वो सेमनेस ऑफ वर्ड है, लेकिन जो है वो एक लिंग्विस्ट के लिए ये सेमनेस ऑफ वर्ड नहीं है। मसलन सपोज हम लोग ये कह सकते हैं कि अब सपोज आप ये बात करते हैं कि आई वेंट टू माई फ्रेंड्स मैरिज एंड हिज फ्रेंड वॉज स्टीवर्ड। ये बात गलत होगी कि क्या उसका दोस्त वहां पे, मतलब जो था वो, कि मैं अपने दोस्त की शादी पर गया, फ्रेंड्स मैरिज एंड हिज फ्रेंड वाज स्टीवन, जो मेरे दोस्त का आगे दोस्त था वो स्टीवर्ड था, ये बात गलत है। वो बल्कि स्टीवर्ड नहीं था, रादर ही वाज एज अ होस्ट, ये वो मेहमानों का वेलकम कर रहा। इसी तर्ज के साथ अगर आप ये कह दें कि हम लोग इस जुमले को एक और तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं कि शी इज अ फ्लाइट स्टीवर्ड, तो ये बात गलत होगी। She is a flight steward. She is a flight hostess, जिसको आप air hostess कहते हैं, या she is a you can say flight hostess. अब host जो है वो normally मर्द के लिए use होता है, और जब plane के अंदर आप आ जाएं, सॉरी नॉर्मली मर्द के लिए स्टीवर्ड यूज होता है और औरत के लिए जो है वो होस्टेस जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह से माई फादर सर्वड एज होस्ट ऑफ द पार्टी, अब यहां स्टीवर्ड ऑफ द पार्टी गलत होगा इंटायरली, कि मेरा बाप मेजबान था, हत्ता कि स्टीवर्ड से मुराद भी मेजबान ही है, लेकिन यहां पर चूंकि कॉन्टेक्स्ट बदल गया, इस वजह से द यूज ऑफ वर्ड जो है वो बिल्कुल चेंज होकर रह जाएगा। तो इसी वजह से अगर ए के हमारे सामने 10 शेड्स हैं, तो बी के
आप अंदाजा कर सकते हैं कि हो सकता है कि वो 10 तो हो प्लस उसमें 3 और हैं, जिसकी वजह से लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड भी मौजूद है और बी वर्ड भी मौजूद है, क्योंकि उसके आगे और शेर जो हैं जो कि ए और सी के साथ आपस में ममासलत नहीं रखते, इस वजह से डी लफ्ज भी लैंग्वेज के अंदर जो है एग्जिस्ट करता। और हम लोग ये अंदाजा कर सकते हैं कि सपोज पहले एक लफ्ज यूज होता था, आप ये देखते हो कि जो लफ्ज यूज होता है दैट इज व्हाट वी कॉल सेल फोन, और जो टर्म सेल फोन है आज जो प्रोमिनेंट वर्ड है दैट इज व्हाट वी कॉल मोबाइल। लेकिन अब आप अंदाजा कीजिएगा कि ये दोनों अल्फाज जो हैं वो नो डाउट रिप्लेसेबल हैं, सेल फोन और मोबाइल, लेकिन कोई एक ऐसा लफ्ज है जिसके साथ आपकी एसोसिएशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। कि सपोज आप सेल फोन बोलते हुए जो है वो ज्यादा इजी फील करते हो एज कंपेयर टू आप मोबाइल बोलते हुए, या आप सोफा, इस तरह से दो अल्फाज में से जब आप किसी के साथ जो है वो मेंटली एसोसिएट हो जाए तो हम उसको जो है वो सेमेंटिक्स की सेंस में कहते हैं। एक होता है कॉग्निटिव मीनिंग, किसी भी वर्ड का कॉग्निटिव मीनिंग के जो रिप्लेस कर जाए कि हाँ भाई लॉजिकली ये मीनिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पर हम एक और मीनिंग है जिसको हम कहते हैं इमोटिव मीनिंग, कि जब आप एक लफ्ज को यू कैन से यूज करते हुए दूसरे लफ्ज के ऊपर प्रेफरेंस दें, कि आप जब ये, अब इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर कभी भी कोई भी जो लफ्ज है वो शायद बहुत कम अल्फाज हों जो जो है वो जिनको हम टोटल सिनोनिमी कहेंगे। वो आगे जाके इंशाल्लाह मैं कॉन्सेप्ट जब डिटेल से डिस्कस करता हूं तो फिर बताता हूं कि कोई ना कोई ऐसा लफ्ज होगा कि जिसके जो आप एक लफ्ज में यूज करने की बजाय दूसरे लफ्ज के ऊपर प्रेफर कर रहे होंगे। कॉग्निटिव मीनिंग तो बिल्कुल ठीक हो गया, कि कॉग्निटिव मीनिंग वही है कि गुड फाइन को रिप्लेस कर ले, फाइन गुड को कर ले, नाइस को रिप्लेस कर ले, बात एक ही हम कर रहे हैं, ये हो गया कॉग्निटिव मीनिंग। लेकिन इमोटिव तब आएगा, इमोटिव मीनिंग का जो सस्टेनेबिलिटी है वो वहां पर होगी कि व्हेन यू परसीव कि ये लफ्ज इमोटिव है या इमोटिव मीनिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो हम इस बात को मतलब कहते हैं कि हम एक लफ्ज को दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रिफर कर रहे हैं। एक लफ्ज की प्रेफरेंस जो है वो दूसरे लफ्ज की प्रेफरेंस से कंपैरेटिवली हमें ज्यादा नजर आ रही है। तो दैट्स व्हाई जो है वो हम लोग, लेकिन कुछ अल्फाज बहरहाल लिंग्विस्ट पे ऐसे निकाले हैं जो मतलब जिनको कहा जाता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर जाते हैं। जिस तरह से मैंने आपके सामने अल्फाज किड और चाइल्ड की मिसाल आपके सामने दी है, फिर लेकिन इसके बावजूद किड हम लोग इनफॉर्मल जगह पर बोलते हैं, चाइल्ड हम लोग फॉर्मल जगह पर बोलते हैं, फिर काउच एंड सोफा, इसमें भी हमारी कॉग्निटिव एंड इमोटिव सेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। कॉग्निटिव तो मौजूद है कि जो आपस में रिप्लेसेबल है, लेकिन यहाँ पर इमोटिव सेंस है कि हम एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, प्रिफर करते हैं, एक लफ्ज जो है वो दूसरे लफ्ज के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस में आ जाता है। So, इस तरह से हम लोग जो हैं वो अल्फाज को मतलब तमाम शेर्स जो हैं वो अल्फाज के लैंग्वेज के अंदर जिंदा रहते हैं, और यही वजह है कि अगर रिस्पेक्ट मौजूद है तो फिर एडमायरेशन भी मौजूद है, क्योंकि एडमायरेशन के साथ तीन और नई सेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। आई लाइक माई टीचर, लाइकनेस, एप्रिसिएशन और प्रेयर, ये तीनों सुपीरियर करता है, और जो है वो एडमायरेशन जो है ये भी आई रिस्पेक्ट माई टीचर, I give esteem to my teacher, I honor my teacher, और फिर इसी तरह से respect के साथ आपको एक और मतलब जो है वो shade नजर आ रहा है कि that is what we call I value my teacher। ये सारी मैं समझ चाहता हूँ value my teacher। अब ये जो अल्फाज हैं हम जब इनको मतलब जो है वो language के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हम फिर ये देखते हैं कि respect भी मौजूद है, ऑनर भी मौजूद है, वैल्यू भी मौजूद है, एडमायरेशन भी मौजूद है, क्योंकि ऑनर के आगे फिर मजीद कुछ ऐसे शेड्स हैं उसमें आप रिस्पेक्ट देंगे, फिर क्रेडिट है, रेपुटेशन है, ट्रिब्यूट है,
प्रिंसिपल है, आई प्रिंसिपल, यानी कि आप रिस्पेक्ट में से, आप मतलब आप ऑनर में से देख रहे हो, और नोबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो फिर इसी तरह से जो ऑनर के आगे फर्दर शेड्स हैं, वो ऑनर को भी जिंदा रखे हुए हैं और लैंग्वेज के अंदर रिस्पेक्ट को भी जिंदा रखे हुए हैं, फिर वैल्यू को भी जिंदा रखे हैं और इसी तर्ज के साथ रिस्पेक्ट को, एडमायरेशन को भी और प्रेज को भी, फिर एप्रिसिएशन और लाइक को, इस तरह से ये तमाम अल्फाज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मतलब जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी हमें जो है वो नजर आ रही है।